सलामकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं अख्तर खान। गुज़श्ता 2 दिन से 2 वीडियो वायरल हो रही हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक तो जनाब वज़ीरे आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, जो वो उज़्बेकिस्तान समरकंद में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब वो गए वहाँ पर, तो उनकी एक वो वीडियो वायरल हुई है जिसमें तमाम मुल्क के जो सरबराहान हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आप भी आए थोड़ा सा चख लें। तो आप तो एक गरीब मुल्क से हैं, मांगने वाले मुल्क से हैं। मतलब खैर, मैं ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं करना चाहता। दूसरी वीडियो कल रात से एक और वायरल है, उसमें हम देख रहे हैं कि टिकटॉकर्स हैं वो जनाब, वीडियोस पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं और टिकटॉक पे डाले जा रहे हैं। ना वो वायरल हो रही हैं और ना ही उनसे वो मतलब जो उनको व्हाट्सएप ये किया गया है या जो कंटेंट उनको लिख के दिया गया है वो भी सही नहीं पढ़ा जा रहा है उनसे। कोई शंघाई शंघाई शंघी इस तरह कर रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आ रही है ये किस तरह की मार्केटिंग आप कर रहे हो। आप वज़ीरे आज़म वहाँ पे कह दे कि यार दौरा जो है वो कामयाब नहीं रहा, हमें किसी ने मुंह नहीं लगाया, हम वहाँ पे पीछे खड़े थे तो उन्होंने अचानक उनका ख्याल हमारी तरफ आया, उन्होंने कहा आप भी चेक कर लो यार, आप भी वज़ीरे आज़म हो, किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब कोई हैसियत नहीं है यार, हर जगह पे आप लोगों ने बेइज्जती करना होता है। और आप पाकिस्तानी आवाम को क्या समझ रहे हो? आप यहाँ पे टिकटॉकर्स के जरिए कंपेन लॉन्च कर दिए आपने कि वो दौरा बड़ा ज़बरदस्त रहा है, फल शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, जनाब पुतिन से मुलाकात हुई है, तैयब अर्दोगान से मुलाकात हुई है। खैर, यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक स्टोरी है छोटी सी। कहा जाता है कि एक मुल्क था, वहाँ पे जंग शुरू हो गई थी, तो वहाँ के जो फौजी थे ना, उनके डे बाय डे जो थी ना उनकी तादाद कम होती जा रही थी। तो वहाँ के हुक्मरान ने ऐलान कर दिया कि जितने भी लोग हैं ना वो इस जंग में शमूलियत इख्तियार करें, जंग को जो है ना लड़ने के लिए तैयार रहें। तो वो एक मसलियों मरासियों के घर जनाब एक बंदा गया, उन्होंने कहा कि आप दो तीन बेटे जो हैं वो जवान हैं तो वो किधर हैं, उनको कहें कि आए आप भी हमारे साथ जो है ना बॉर्डर पे जंग जो है दुश्मन मुल्क के साथ वो लड़नी है। तो वहाँ अंदर जनाब उसकी जो माई बाहर निकली थी, माँ जो थी उसने कहा है कि मेरा पुत्र तुसी जाके बादशाह नु कह दियो जे गल मसलियां दे पुत्रां तक आ गई है ना जंग लड़न दी तो फिर ये नालों चंगा है सुलह कर लो, जे गल हुण टिक ठाकरा तक आ गई है ना राजी नामा कर लो तो अजे भी टाइम है। खैर, उर्दू में आपको बताता जाऊँ कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है ना कि आप अब टिक टॉकरों के जरिए जो है अपने प्रमोशन करेंगे, वज़ीर आज़म का जो दौरा है उसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे, वो एक जो तस्वीर है जिसमें वो इस तरह यूँ खड़े हैं जिस तरह वो पूरी दुनिया के लोग उसको देख रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है वो उसको देख रहे हैं, तो इन्होंने जनाब उसको कैश करने की कोशिश की, अल्लाह ने उनकी हांडिया बीच में फोड़ दी। जब वीडियो वायरल हुई तो मियाँ साहब फ्रेम में नहीं थे, जब एकदम से उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ, आप तो मांगने तो नहीं आए हो ना, आप भी आ जाए वहाँ पे चेक कर लो थोड़ा सा, वो हंडिया उनके बीच में फूट गई। तो अब टिकटॉकरों से प्रमोशन करवा रहे हो यार, इससे अच्छा है राजीनामा कर लो यार, अभी भी टाइम है, राजीनामा कर लो, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इज्जत तो बच जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।